हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टुडे। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आज हम सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ द फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है और एक गिवन फोर्स सिस्टम के अंदर मोमेंट ऑफ द फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, टू थिंग्स। पहले ये समझते हैं कि मोमेंट ऑफ द फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के मोशन को बदल सकता है, रुके हुए बॉडी को मूव करवा सकता है, मूविंग बॉडी को के डायरेक्शन को बदल सकता है, मूविंग बॉडी को रोक सकता है। तो इसको बोलते हैं हम फोर्स। फोर्स जब ये सारे काम करता है तो उस दौरान वो एक स्पेशल इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। तो फोर्स एक स्पेशल इफेक्ट पैदा कर सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ द फोर्स। क्या है वो स्पेशल इफेक्ट? वो स्पेशल इफेक्ट है रोटेशनल मोशन। तो वो फोर्स या फिर फोर्स की वो काबिलियत, फोर्स में वो ताकत जिससे वो बॉडी को घुमा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ द फोर्स। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स एज द डेफिनेशन गोज इज द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। फोर्स के अंदर वो ताकत जो एक बॉडी को घुमा सकती है। एक सिंपल एग्जांपल लेके देख ले, डस्टर आ गया हमारा फेवरेट प्रॉप, डस्टर। डस्टर जब ऐसा था और उसके ऊपर मैंने एक फोर्स ऐसा लगाया, सिंगल फोर्स, डस्टर ऐसा था और मैंने उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, तो ये डस्टर ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक सीधा एक सिंगल फोर्स लग रहा था, इसके लिए वो ऊपर जा रहा था। इसी डस्टर के ऊपर अगर मैंने एक दूसरे तरीके से फोर्स लगाया और इस डस्टर को हिंज करने के बाद लगाया, तो देखते हैं क्या होता है। तो डस्टर के ऊपर ये जब फोर्स लग रहा था तो ये ऐसे जा रहा था। अब अगर हमने डस्टर को यहां पे फिक्स करवा दिया, फिक्स जैसे अज्यूम करो कि यहां पे ऐसे एक नेल डाल के अंदर फिक्स कर दिया, ओके, या फिर ऐसे ही मैंने जैसे पकड़ाया फिक्स कर दिया। अब अगर वही फोर्स में लगा रहा हूं तो अब डस्टर ऊपर की तरफ जाएगा या कुछ और करेगा? तो अब अगर मैं वो फोर्स पैदा कर रहा हूं, अगर वो फोर्स लगा रहा हूं, तो ये डस्टर घूमने लगता है, तो अब वो ऊपर नहीं जा रहा, इट स्टार्ट्स टू रोटेट। एंड दिस एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू रोटेट अ बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ द फोर्स। मोमेंट ऑफ द फोर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है अच्छा है, दोनों का मतलब सेम ही है। द एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन और द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बोथ आर कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ द फोर्स। मोमेंट ऑफ द फोर्स को बार बार हम मोमेंट ऑफ द फोर्स बोले तो भी चलेगा, अदरवाइज एक छोटा वर्ड भी है जो बहुत बार हम ऑटोमोबाइल के डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो उसका नाम है टॉर्क। सो द अदर नेम फॉर मोमेंट ऑफ द फोर्स इज टॉर्क। टॉर्क अगेन द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। सो हमने देखा कि जब ये बॉडी ऐसे सीधा था और उसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, बट जब उसको हमने हिंज कर दिया तो अब वही फोर्स, यहां का वही फोर्स इसको घुमाने लग जाता है, तो वही फोर्स अब घुमाने के काम आता है। अब बॉडी कितने जोर से घूमता है, कितना टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है, ये सिर्फ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है या किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है? लेट्स सी इट। डस्टर फिक्स्ड, ओके, अब मैं ये फोर्स एक यहां तीन जगह पे फोर्स लगा के देखता हूं। एक यहां पे जोर से लगा रहा हूं फिर भी नहीं घूम रहा है, जितना भी ट्राई करो नहीं घूम रहा है, थोड़ा दूर अब घूमना शुरू हो गया बट ज्यादा ताकत लग रहा है मुझे, बट अब अगर मैं एकदम दूर लगाऊं तो धीरे से भी घुमाऊं तो जोर लगाऊं तो आराम से घूम जाता है। तो इसका मतलब ये बॉडी कितने जोर से घूमेगा, कितना इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम कितने जोर से फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि कहां लगा रहे हैं, वेयर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां से, जिस पॉइंट पे उसको सपोर्ट किया गया है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, वहां से हम कितनी दूरी पे लगा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन पे ही लगाया तो ये कभी नहीं घूमने वाला, थोड़ा दूर लेके गया तो थोड़ा आसानी से घूम रहा है, जितना ज्यादा दूर लेके जा रहा हूं उतनी आसानी से घूम रहा है। सो इसका मतलब एक बॉडी कितने जोर से घूमेगा, फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे लगाया जा रहा है।
सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फैन है, फैन को अगर हम सेंटर पे पकड़ के घुमाने की कोशिश करें तो ताकत ज्यादा लगता है, बट उसी फैन पे जब हम ब्लेड पे चले जाते हैं, ब्लेड के एकदम एंड पे धीरे से ऐसे करते हैं, तब भी वो घूमने लग जाता है क्योंकि दूर आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन से। जितना सेंटर ऑफ रोटेशन से दूर आओगे उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा। ओके, तो दो चीज तो क्लियर है, पहला टॉर्क या फिर मोमेंट फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा टॉर्क या मोमेंट उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है जो सेंटर से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में है। तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द टू फैक्टर्स फोर्स एंड आर, विच इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट आर्म। सो हाउ डिफाइन मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जिस लाइन पे फोर्स काम कर रहा है, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम दैट इज द सेंटर ऑफ द रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन से फोर्स की दूरी कितनी है, फोर्स की लाइन की दूरी कितनी है, दैट्स कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। सो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर हमें पता करना है कि टर्निंग इफेक्ट कितना पैदा हो रहा है, टॉर्क कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, चलेगा। बट जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर, बाय द वे टॉर्क जो पैदा होता है, जो रोटेशनल इफेक्ट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि दो तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, राइट? टू वेज टू मैनर्स, तो द डायरेक्शन मैटर्स, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन वेक्टर फॉर्म इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, सो इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस बिटवीन आर एंड एफ, मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स, हमेशा आर पहले एफ बाद में, अगर डायरेक्शन चाहिए। हम देखेंगे आगे, हमें हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, बट फिर भी बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट, तो इसके लिए मैंने वेक्टर फॉर्म लिया हुआ है। सो आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर नहीं चलेगा, आर क्रॉस एफ, तो दैट विल गिव यू टॉर्क। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्यू आर क्रॉस एफ? आर क्रॉस एफ जब हम करते हैं तो हमें वो टर्निंग इफेक्ट का एक डायरेक्शन मिल जाता है और उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो टॉर्क पैदा हो रहा है इसका डायरेक्शन क्या है। बाय द वे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे दिया जाता है? बाय राइट हैंड थंब रूल, वन वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स द अदर वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल। आर से एफ, आर से जब हम एफ की तरफ, आर से जब हम एफ की तरफ जा रहे हैं, जब ऐसे मोड़ दो तो द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देख लेते हैं एग्जांपल, सेम डस्टर अगेन, सपोज इफ माई डस्टर इज ओवर हियर, ओके, एंड हमने यहां पे उसको हिंज कर दिया, उसको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब दिस डिस्टेंस, सपोज मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, सो ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर, तो आर का डायरेक्शन ऐसा है, तो आर का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। और फोर्स कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ, ओके, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो आर का डायरेक्शन है ऐसा और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। आर का डायरेक्शन और फोर्स क्या है? आर मोमेंट आर्म, ये पॉइंट से सेंटर, यहां पे जहां पे हिंज किया, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, यहां पे जहां पे फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्टेंस, और कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? एफ लगा रहे हैं, ठीक है। सो आर से जब हम एफ की तरफ जाते हैं, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इन दिस केस, इन दिस केस। तो इसके लिए जब भी हम स्क्रू ड्राइवर लेके ऐसे घुमाते हैं, अगर एक स्क्रू अंदर घुसा हुआ है और स्क्रू ड्राइवर लेके हम ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो स्क्रू अंदर जाता है कि बाहर आता है? बाहर आता है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। उल्टा अगर हो तो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हिंज कर दिया हमने इसी डिस्टेंस पे, इतने ही डिस्टेंस पे, अब फोर्स में नीचे की तरफ लगा रहा हूं, नीचे की तरफ, तो फोर्स को ले लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ जब हम जा रहे हैं, आर से एफ की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो अंगूठा कहां पे है? थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड्स, मतलब टॉर्क या मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, राइट? तो इसके लिए अगर हमने एक स्क्रू रखा, उसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगाया और स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाया इस डायरेक्शन में, तो स्क्रू अंदर जाएगा। अंडरस्टूड? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। सो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, बस हमारी जानकारी के लिए है। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। समझा टॉर्क क्या होता है? सो क्या होता है टॉर्क? एक फोर्स में वो एबिलिटी जो दूसरे बॉडी पे एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करे,
that is called as torque or also called as moment of the force. और moment of the force किस पर depend करता है? पहला, कितने जोर से force लग रहा है? दूसरा, force कहां लग रहा है? Point of rotation से जिस point पे force लग रहा है, line of action of the force उसके बीच का distance. So moment arm and force that will produce your torque. Understood? एक बार फिर से definition देखो, एक बार फिर से understand करो, example देखो अभी अभी हमने क्या लिया और समझने की कोशिश करो कि आसपास कहां कहां हमको torque नजर आता है. So that's torque or moment of the force. Fine, ये तो था theory वाला part कि moment होता क्या है, moment को और किस नाम से जानते हैं और moment का formula magnitude में और vector form में क्या है. But moment या फिर torque जब हम question में apply करते हैं, जब उसके values निकालते हैं, तो देखते हैं कि कैसे-कैसे step हमें follow करना है. So we are going to now look at calculating moment of a force. एक given force या फिर given force system के लिए moment हम कैसे निकालें? Okay? So magnitude पहला, moment कितना turning effect पैदा करेगा? कितना? So that magnitude is given by this. ये notation याद रखना, M for moment, F for जिस force के लिए हम निकाल रहे हैं, P is that center of rotation about which we are calculating the moment. Moment, point of center or center of rotation, force. Okay? So, जिस किसी force के लिए होगा, कौन से point पे निकाल रहे हैं, वो point P रहेगा. एक example जब हम ये solve करेंगे, तो हमें idea मिल जाएगा इसका मतलब क्या है. Remember this notation, moment of the force about point P. Moment of the force about point P. Okay? तो ये होगा, moment of the force about point P, rotation, magnitude. Magnitude क्या होगा? Will be equal to, magnitude will be equal to force into perpendicular distance. Perpendicular ना, ये important है, perpendicular ही होना चाहिए, perpendicular distance between point P and line of F. Force का action का line, force किस line में काम कर रहा, point नहीं है, line of action. हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है. So, force into perpendicular distance between point P and line of action of F. ये हो गया magnitude. But हमें पता है कि torque एक vector quantity है. तो torque का direction कैसे देंगे हम? Direction is given by right hand thumb rule. So, right hand thumb rule के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि clockwise हो सकता है या फिर anti-clockwise हो सकता है. Okay? तो clockwise को positive पकड़ेगी, anti-clockwise को, जैसे हमारे normal Cartesian system में हम क्या बोलते हैं, right की तरफ positive, left की तरफ negative, upside positive, downside negative. तो इधर हम क्या बोलेंगे, ध्यान में बिठा लो, बहुत बार use होगा ये, इधर हम बोलेंगे clockwise negative. Okay? Clockwise negative, anti-clockwise positive. हमेशा याद रखना, anti-clockwise positive. So anti-clockwise positive, clockwise negative, भूलना नहीं है, anti-clock positive, clockwise negative. ठीक है, then हमारे पूरा हमारा torque या फिर moment का हमें पूरे calculation मिल जाएगा, उसका value कितना है और उसका direction कैसा है. ये example ध्यान से देखते हैं, step by step solve करते हैं और ये steps इधर apply करके देखते हैं कि कैसे moment निकाला जाता है. Get ready, pay attention, step by step. हमें बोला गया है find, पता करो क्या, moment of F1 about point B and D, F2 about point A and C, F3 about point A, F and D. तो अलग तीन force system है, तीन forces है, एक पहला force अपना इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, three force system. So we have got three forces here, first force acting over here, second acting over here and the third is acting over here. तीन अलग अलग force है और हमको पता करना है कि ये तीनों कितना मोमेंट पैदा कर रहे हैं अलग-अलग पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, बी पे, ई पे, ए पे, सी पे, ए एफ डी पे, कितना पैदा कर रहे हैं. फर्स्ट सब क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या बोला गया है, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट बी. तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का पहला पार्ट कैसे लिखेंगे हम, मोमेंट, राइट, मोमेंट कौन से फोर्स का, फोर्स F1, फोर्स F1 कौन से पॉइंट पे बोला गया है, पहला पॉइंट बोला गया है बी पे निकालो. तो पहला पॉइंट कौन सा बोला गया, बी पे, समझा, नोटेशन कैसा होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू
क्या होगा वैल्यू? तो पहले देख ले कि F1 कहाँ है। F1 है यहाँ पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। B कहाँ पे है? B पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले फोर्स लिखते हैं। फोर्स कितना है F1 का? 10 इन टू, अब एकदम ध्यान से क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पी, पी हमारा कौन है इधर, बी, तो बी पॉइंट और लाइन ऑफ फोर्स पी। अब मैं अगर बी से ये डिस्टेंस यहां पे ड्रॉ करूं, क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा हमारे फोर्स को? द आंसर इज नहीं। तो कैसे पता करेंगे कि परपेंडिकुलर है या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, हमारा फोर्स ऐसा काम कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं नीचे खींच दूं पॉइंट बी से, पॉइंट बी से वो कौन सा लाइन होगा जो लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर होगा? ये वो डिस्टेंस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा। दूसरा हो सकता है क्या, इस लाइन पे या इस पॉइंट से क्या हम दूसरा कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, दूसरा कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। क्या है ये लाइन? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये इतना ही होगा जितना 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर, सो दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड वाला बात। अब आई बात साइन कन्वेंशन की। तो अगर पॉइंट बी को हमने हिंच किया, डस्टर, अगर पॉइंट बी पे हमने हिंच किया ऐसा, पॉइंट बी और फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, और फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। सो वी कैन, अदरवाइज वी कैन शो इट दैट दिस इज लाइक दिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस बिकम्स 10 इंटू 3, 30 न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये आ गया हमारा पहला आंसर, समझा? अगर ये हमें समझ गया तो दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या बोला है? मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट E निकालना है अभी। सो मोमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट E, F1 हमारा यहीं पे, E किधर है? ओके, आई हैव जस्ट मिस्ड E और व्हाट? ओके, लेट मी जस्ट चेंज इट, अदरवाइज हम एक काम कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट D निकाल लेते हैं। सो E को बदल के मैं यहां लिख देता हूं अबाउट पॉइंट D। So moment of F1 about point D, F1 D is equal to force, कितना है force? 10 newton into perpendicular distance, F1 का line of action D point से कितने perpendicular distance है? तो D से अगर मैंने अगर F1 के line पे एक perpendicular बनाया तो यही बनेगा, यही perpendicular होगा, दूसरा कोई perpendicular नहीं होगा। So this perpendicular distance is given to us as 4 meter, okay? Again डन विद द मैग्नीट्यूड, साइन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देख ले। सो इट्स लाइक दिस, डस्टर पॉइंट किधर है? डी, पॉइंट डी, सो पॉइंट डी, पॉइंट डी, और फोर्स लग रहा है डी के लेफ्ट तरफ, फोर्स लग रहा है डी के लेफ्ट तरफ, कैसे घूम रहा है ये? इट्स रोटेटिंग क्लॉकवाइज, वेरी गुड, इट्स रोटेटिंग क्लॉकवाइज लाइक दिस। सो दिस बिकम्स माइनस 40 न्यूटन मीटर, ऐसा लिखो तो चलेगा, या फिर 40 न्यूटन मीटर लिख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दोगे तो भी चलेगा। डायरेक्शन समझ रहा है हमें, हाउ टू फाइंड आउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गुड। सेकंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे, सेकंड सब क्वेश्चन ओवर हियर, क्या बोला है सेकंड सब क्वेश्चन में? सो ये दोनों फर्स्ट का ही हिस्सा थे, सेकंड सब क्वेश्चन का पहला हिस्सा इज मोमेंट किसका निकालना है, F2 अबाउट विच पॉइंट? अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट F2 अबाउट पॉइंट ए पहला है। तो F2 किधर है? F2 इधर है, 20 न्यूटन का है। A किधर है? इधर है। F2 का लाइन ऑफ एक्शन, F2 का लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट A कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर यही होगा, दूसरा कोई परपेंडिकुलर आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, यही परपेंडिकुलर होगा। सो मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट A विल बी फोर्स 20 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, मैग्नीट्यूड डन, साइन कन्वेंशन, A और F2 नीचे की तरफ, A A F2 नीचे की तरफ, कैसे घुमा रहा है ये? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
दिस विल बी 40 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पॉजिटिव रखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट क्या बोला अभी, सी अबाउट पॉइंट सी. F2 यहां पे काम कर रहा है, सी अपना इधर है, बाप रे. F2 इधर, सी इधर, राइट. सो F2 का पहले फोर्स 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2 फ्रॉम पॉइंट सी. सो परपेंडिकुलर, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया अपना लाइन ऑफ एक्शन किसका, F2 का. कहां से निकालना है परपेंडिकुलर, पॉइंट सी से. तो सी से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, क्या ये परपेंडिकुलर होगा यहां पे, नहीं. ये लाइन ड्रॉ करूं, क्या परपेंडिकुलर होगा, नहीं. ये लाइन ड्रॉ करूं यहां पे, क्या ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ. तो ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कितना है ये डिस्टेंस, 4 + 3 + 2 इट बिकम्स 9. सो 9 डन मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन, इधर है अपना सी, पॉइंट सी. चलो अभी बिना डस्टर के देखते हैं, डस्टर बोर्ड थोड़ी देर रेस्ट देते हैं. पॉइंट सी, और ये लग रहा है नीचे की तरफ, पॉइंट सी नीचे की तरफ. कैसे घुमा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट्स अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस बिकम्स 180 न्यूटन मीटर. ओके, 180 न्यूटन मीटर, वी कैन शो इट एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, समझ में आया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट, थर्ड सब क्वेश्चन. थर्ड सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थर्ड सब क्वेश्चन हमें समझना है. अच्छा, ये अगर हमें समझ गया है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें. सो आई हैव रिमूव दिस. नाउ लेट्स सी द थर्ड सब क्वेश्चन क्या है. मोमेंट ऑफ F3, F3 एंगल पे काम कर रहा है और एंगल हमको दिया नहीं है, फाइंड आउट करना है पहली बात तो. सो मोमेंट ऑफ F3 अबाउट व्हाट, अबाउट पॉइंट ए. सो मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट ए, वी नीड टू फाइंड इट आउट. F3 अबाउट पॉइंट ए, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा अलग है, ये है लाइन ऑफ एक्शन. तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, यही परपेंडिकुलर होगा, दूसरा नहीं होगा. तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस. ये एक तरीका है, बट ये इजी तरीका नहीं है. इजी तरीका हम बता देते हैं, क्योंकि इजी तरीका हमको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है कि किसी भी फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो F3 को, फोर्स F3 को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दे F3 को. सो ये हो गया अपना F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा F3 का वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये एंगल तो हमें चाहिए होगा. ये एंगल कैसे निकलेगा, दिस एंगल वी कैन, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा. कितना ये एंगल, थीटा. सो दिस एंगल थीटा डायरेक्टली नहीं दिया है, बट पता करने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई है. थीटा वी कैन टेक टैन थीटा. बाय द वे, अगर कुछ नहीं रहता ना तो टैन थीटा काफी काम आता है एंगल निकालने के लिए. सो टैन थीटा विल हेल्प अस इन फाइंडिंग थीटा. सो व्हाट इज टैन थीटा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. सो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट. कितना है ऑपोजिट, 3 + 3 = 6 डिवाइडेड बाय, कितना है एडजेसेंट, 4 + 3 = 7. सो टैन थीटा इज इक्वल टू 6/7. सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 6/7. और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 40.6 डिग्री. तो ये हो गया हमारा थीटा वैल्यू. डाल दे यहां पे 40. रहने दो, ऑलरेडी बहुत सारा कंजेस्टेड हो गया. याद रखना थीटा का वैल्यू कितना है, 40.6 डिग्री. तो ये अगर 40.6 डिग्री है, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके पास एंगल है, वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 50 cos 40.6. और जिसके पास एंगल नहीं है ये कितना होगा, 50 sin 40.6 डिग्री. तो हमने क्या किया, F3 को दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया. और हमें पता है एक बार रेजोल्यूशन हो जाए उसके बाद मेन फोर्स को भूल जाते हैं. अब कंपोनेंट्स काम आते हैं, अब हम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, मेन फोर्स को भूल जाएंगे और रिजल्टेंट को भूल जाएंगे जिसके वजह से हमने कंपोनेंट निकाला. अब काम आएंगे हमारे कंपोनेंट्स. तो अब हम ये नहीं देखेंगे कि F3 कितना टॉर्क पैदा कर रहा है, F3 कितना मोमेंट पैदा कर रहा है. हम ये देखेंगे F3 का ये कंपोनेंट कितना मोमेंट पैदा कर रहा है और F3 का ये कंपोनेंट कितना मोमेंट पैदा कर रहा है, और दोनों को जोड़ देंगे साथ में. सो हमें पता चलेगा कि दोनों कंपोनेंट मिलके कितना मोमेंट पैदा कर रहे हैं.
दोनों कंपोनेंट मिलके जितना मोमेंट पैदा करेंगे F3 भी उतना ही मोमेंट पैदा करेगा अकेला, बिकॉज कंपोनेंट रिजल्टेंट को बनाते हैं। सो मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट A, मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट A, मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट A कैन बी नाउ फ्रॉम टू कैन बी नाउ डिवाइडेड अलॉन्ग X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो ऐसे लिख लेते हैं, विल बी F3 का X कंपोनेंट, F3 का X कंपोनेंट इनटू द डिस्टेंस ऑफ X कंपोनेंट प्लस F3 का Y कंपोनेंट इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Y कंपोनेंट। मैं बस नोटेशन के लिए लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Y कंपोनेंट। तो ये क्या बन जाएगा, F3 का X कंपोनेंट कौन है, F3 का X कंपोनेंट ये है, और इस फोर्स का पॉइंट A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 = 6। सो ये क्या बन जाएगा, 50 cos 40.6 इनटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 6। अब क्या बोला गया है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, सॉरी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। पॉइंट ए पे हमने सपोर्ट किया, रोटेशन रखा और ये फोर्स एफ कॉस 30 ऐसा लगाया, इधर रख के ऐसा लगाया। सो ए पे सपोर्ट किया और ये फोर्स यहां पे ऐसा लगाया, कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ही पकड़ो, कुछ मत लिखो आगे, पॉजिटिव, गॉट इट। नेक्स्ट, F3 का Y कंपोनेंट, F3 का Y कंपोनेंट और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे हमें ध्यान देना है, F3 का Y कंपोनेंट A से पास हो रहा है, F3 का Y कंपोनेंट A से पास हो रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन A से पास हो रहा है। अगर कोई फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो वो फोर्स कोई मोमेंट पैदा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन और ये फोर्स अगर इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो कितना भी जोर लगा लो ये मोमेंट नहीं पैदा करेगा। सो F3 का cos, F3 का sin कंपोनेंट अबाउट पॉइंट ए कोई मोमेंट नहीं पैदा करेगा, क्यों, क्योंकि उधर से पास हो रहा है तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस F3 का वैल्यू कितना था, 50 sin 40.6 इनटू जीरो, व्हाई जीरो, बिकॉज द फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। सो दिस बिकम्स 50 cos 40.6 × 6, दिस पार्ट विल बी जीरो, ओके, सो प्लस जीरो। वंस यू सॉल्व दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ 227.8 न्यूटन मीटर। सो दिस बिकम्स टोटल 227.8 न्यूटन मीटर, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दैट मीन्स इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट A, समझा, मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट A। सिमिलरली यू कैन फाउंड वट इज मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट F, मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट F भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस नेक्स्ट पार्ट, बाय द वे वी हैव गॉट दिस एंगल एज 40.6, सो यू कैन रब दिस। वट इज मोमेंट ऑफ, ओके लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर। सो मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट F, मोमेंट ऑफ F3 अबाउट पॉइंट F, दिस विल बी इक्वल टू, अगेन वी आर डिवाइडिंग इनटू टू कंपोनेंट्स, सो ओवर हियर एट दिस पॉइंट अबाउट पॉइंट F, सो वी कैन डिवाइड, इस पॉइंट से हम उसको डिवाइड रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस, सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 cos 40.6, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का F से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इनटू 3 + 3 = 6, F से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा। नाउ अगर हम ऐसे रखें F पॉइंट को, ऐसा करें ये F पॉइंट है और ये फोर्स यहां लगा है तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये हो गया X कंपोनेंट का, Y कंपोनेंट कितना घुमा रहा है अभी, Y कंपोनेंट अबाउट पॉइंट F कितना घुमा रहा है, Y कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, F इस डायरेक्शन में, F इधर, F और Y कंपोनेंट लेफ्ट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में ऊपर कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। सो माइनस 50 sin 40.6 इनटू हाउ मच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3।
So this will be solved and you will get the value of this as 130.2. इसको सॉल्व करने के बाद 130.2 न्यूटन मीटर मिलेगा पॉजिटिव में, जो बता रहा है कि इसका नेट इफेक्ट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट F. मिल गया लास्ट वाला. इजी है बट समझ में आना चाहिए. मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट D. मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट D. अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट D. F3 जो है वो D में से पास हो रहा है, तो अगर कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो उसका टर्निंग इफेक्ट कितना होगा? उसका टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा. डाउट आपको ये आएगा कि आपने बोला कि F3 को रिजोल्व करो और रिजोल्व करने के बाद सिर्फ कंपोनेंट को पकड़ो और मेन फोर्स को भूल जाओ. चलेगा, आप कंपोनेंट लेके भी सॉल्व करोगे ना तो अबाउट पॉइंट डी ये पैदा करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैदा करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वर्टिकल कंपोनेंट पैदा करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट. दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीरो ही मिलने वाला है. तो ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो बट इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा. हमारा फोर्स F3 ऑलरेडी पॉइंट डी से पास हो रहा है सो वी कैन डायरेक्टली टेक इट एज जीरो. सो जीरो न्यूटन मीटर, नो टॉर्क प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट डी. समझा? देखो एक बार स्टेप्स क्या है, देखो उन स्टेप्स को हमने कैसे अप्लाई किया है, कहां कहां अलग अलग केसेस के लिए हमने अलग अलग कॉम्पोजिशन लिए है या फिर रिजल्टेंट लिया है, एंगल कैसे निकाला है. एक बार देखो पूरे वीडियो को, एक बार फिर से देखो और फिर से स्टेप्स एक बार अप्लाई करो, रिफ्लेक्ट करो, समझो और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात प्रैक्टिस. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे से नहीं बैठेगा. पूरा एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो. थैंक यू.